आप लोगों में से बहुत सारे हमारे भाई का ये क्वेश्चन रहता है कि सीएससी आईडी हम कैसे लेंगे और सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि सीएससी आईडी में बहुत सारी जो सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ सीएससी आईडी में ही मिलती है। जैसे कि वोटर आई कार्ड का काम जो है वो आपको सीएससी आईडी में मिल जाता है, रेलवे टिकट बुकिंग का काम जो है वो सीएससी आईडी में, आपको एजेंट आईडी बहुत कम पैसे में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना मतलब ईपीएफ और ईपीएस बहुत सारी काम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अटल योजना का वर्क कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे पीएम किसान का काम कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप अपना आयुष्मान भारत का यूज कर सकते हैं, भारत बिल पेमेंट का यूज कर सकते हैं, उसके बाद ई श्रम कार्ड का और यहाँ पे पासपोर्ट का, मतलब बहुत सारे यहाँ पे सर्विस आपको मिल जाते हैं और ये सभी सर्विस आपको सिर्फ और सिर्फ सीएससी में ही मिलती है। बहुत सारी कंपनी मार्केट में आ चुकी है लेकिन लोगों का अभी सबसे ज्यादा सीएससी पे ही भरोसा है और यहाँ पे बिजनेस क्रॉस्पॉन्डेड ये आईडी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आधार का भी काम मिल जाता है जिसको UCL बोला जाता है, UCL में आप आधार अपडेट का काम कर सकते हैं। इसके लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जो आपको पता ही होगा, आधार ऑपरेटर या ऑपरेटर सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट, ठीक है, तभी जाके आपको यहाँ पे आधार अपडेट का काम मिलता है। बाद बाकी ये जितने भी काम है अगर आप अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अभी के अभी ये वर्क आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर आईडी लेना चाहते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट में आप अप्लाई करने के बाद ले सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट में। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होगा कि 5 मिनट में हमें सीएससी आईडी नहीं मिलेगा, लेकिन 100% मैं यहां पे बताऊंगा कि 5 मिनट में आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और ले कैसे सकते हैं, ठीक है। तो लाइव प्रूफ मैं दिखाने वाला हूं, तो एक भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे गूगल पे आ जाना होगा और वहां पे सर्च करना होगा registered.cse.government.in, ठीक है। डायरेक्ट आपको यहां पे आना होगा। अब यहां पे न्यू प्रोसेस का माध्यम शुरू हो चुका है, यहां पे दोस्तों देख सकते हैं न्यू प्रोसेस के माध्यम से अब आपको सीएससी आईडी मिल रही है, ठीक है। तो यहां पे एक अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, यहां पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं, जिसमें पहला यहां पे आता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने खुल जाता है, जहां पे आपको दे रहा है कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जगह यहाँ पे आप दे देंगे तो आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने शो हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, इसमें प्राइवेट बैंक का भी ऑप्शन है और यहाँ पे NULM और SHG, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे SHG का मतलब अगर आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तभी आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट बैंकिंग आईडी से, जैसे कि आप CSP कोई खोलिए, छोटा बैंक मिनी बैंक, और उससे आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे हमारे भाई का ये भी कंफ्यूजन है कि हमें सीएससी आईडी जो मतलब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर अपना दे रहे हैं तो ऑथराइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको अपने बैंक से बात करना होगा कि ये हमारा मोबाइल नंबर जो है ये बैंकिंग ऑथराइज है या नहीं, ठीक है। तो वो आपका बताएंगे कि बैंकिंग ऑथराइज है, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर वहां पे लिंक करवा लीजिएगा तब जाके आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोनों प्रोसेस हम यहाँ पे बताएंगे कि अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कैसे मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट 5 मिनट में सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो कैसे 5 मिनट में भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीएससी आईडी का ये न्यू अपडेट है और 5 मिनट में अब सीएससी आईडी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करके ले भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है प्राइवेट बैंकिंग आईडी, बहुत सारे प्राइवेट बैंक आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि उसी में एक आता है फिनो, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे FINO, ठीक है, आप इतना ही सर्च करेंगे और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे, क्लिक कर लिए और यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मर्चेंट का, ठीक है, यहाँ पे मर्चेंट वाला रजिस्ट्रेशन मिलता है और उसी के नीचे आपको मिलता है मर्चेंट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, मर्चेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक नंबर भी आपको दिया गया है, उसके लिए भी बताएंगे, तो एक भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना। ये जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, ये आपको बहुत काम का आने वाला है।
ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और मर्चेंट रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद लिखा हुआ है वेलकम टू फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, तो ये फिनो बैंक जो है ये पेमेंट बैंक आपको देता है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज फिल इन योर डिटेल्स टू रजिस्टर विथ अस। ठीक है, इसका मतलब है कि आप ये फॉर्म को भर लीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको डाल देना है, जो भी आपका नाम है जैसे फॉर्म आप भरते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, दुकान का अपना नाम दे देना है और एड्रेस जो है ये दुकान का ही देना है। ठीक है, दुकान का एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपको सिटी डाल देना होगा जो आपका शहर है, जैसे कि मतलब जैसे कि कोई भी गांव है, कोई भी गांव में अगर आप खोल रहे हैं गांव का एड्रेस यहाँ पे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका शहर है ठीक है, उस शहर का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद पिन कोड आप दे दीजिएगा और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका अप्लाई के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप आराम से अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मर्चेंट का एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको सर्विस का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आपको सर्विस मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन का अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन आता है, यहाँ से अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो करेंट अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड या इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड चाहिए, प्रीपेड कार्ड चाहिए, प्रीमियम कार्ड चाहिए, प्लेटिनम कार्ड चाहिए, बहुत सारे कार्ड होते हैं। वो सभी कार्ड आपको जैसे एटीएम में भी बहुत सारे कार्ड होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो यही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो प्रीपेड कार्ड है ये आपको क्रेडिट कार्ड ही रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया, तो ये सभी काम आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम मर्चेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे नंबर, ठीक है, यहाँ पे कॉल करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो किए हैं, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको मिलता है उस पे आपको मतलब यहाँ पे कॉल करके बताना है कि हमारी आईडी अभी तक चालू हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे कॉल करके ये बता सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करने के लिए जो नंबर आप यहाँ पे दिए रहेंगे, ठीक है, वही नंबर आपको यहाँ पे भी देना है। ठीक है, तो वो नंबर आप जैसे ही यहाँ पे दे देंगे उसके बाद जो आईडी है आपकी वो एक से दो दिन में आपका मतलब रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा, नंबर डाल दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, कैप्चा डाल के और सबमिट कर लीजिएगा, तो आपका एक से दो दिनों में आपका जो आईडी है वो आपका मतलब जो आप ईमेल आईडी इसमें दीजिएगा ना उस पे मैसेज आ जाता है और मैसेज आने के बाद उसमें आपको सीएससी आईडी मिलता है। ठीक है, वो सीएससी आईडी आपको क्या करना है, यहाँ पे माई अकाउंट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सीएससी आईडी यहाँ में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना सीएससी आईडी नंबर डाल देंगे। आईडी नंबर डालने के बाद आपके पास एक मंत्रा या मर्फो का मतलब डिवाइस होना चाहिए, फिंगरप्रिंट डिवाइस या आईडी स्कैन डिवाइस। ठीक है, तो ये दोनों डिवाइस में से कोई एक डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद ये कैप्चा आप यहाँ पे डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कैप्चा है क्लिक करने के बाद आई एम एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पिन नंबर आपको डालना होगा। पिन नंबर डालने के बाद आपको अपने दुकान का नाम डालना होगा। ये सब कुछ आपको अभी ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म जब हो जाता है तभी जाके आपको सीएससी आईडी मिलती है। जैसे कि ये हमारा सीएससी आईडी आप देख सकते हैं, ये हमारा सीएससी आईडी ऐसे ही मिला है। ठीक है, तो ऐसे अप्लाई करके अब बहुत सारे लोग हमें कॉमेंट भी करेंगे कि सीएससी आईडी ऐसे नहीं मिलता है, यार आप अप्लाई करके देखो सीएससी आईडी ऐसे मिलता है या नहीं। उसके बाद आप 2-10 मिनट वीडियो देखेंगे, जैसे वीडियो है 10 मिनट का, आप 2 मिनट देखेंगे और उसके बाद कमेंट कर देंगे कि ऐसे नहीं मिलता है, यार पहले पूरा वीडियो देखो, जब समझ में नहीं आए तब जाके आप मैसेज करो। ठीक है, तो अगर आपको सीएसपी आईडी से नहीं मिलती है सीएससी आईडी तो यहाँ पे कैसे दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, अगर यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग आईडी से नहीं मिलता है, ठीक है, बैंकिंग आईडी से नहीं मिलता है तो सीएससी आईडी मिलता किससे है। ठीक है, ये क्यों दिया गया है ये बताइए आप, तो आप हमें कॉमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये क्यों दिया गया है, ये प्राइवेट बैंक आईडी और यहाँ पे आपको बैंकिंग दिया गया है क्यों दिया गया है, और एसएचजी ग्रुप यहाँ पे, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे, ये जो दिया गया है ऐसे ही दिया गया है, नॉर्मली तो दिया नहीं गया होगा, जब यहाँ पे इसका काम होता है तभी दिया गया। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर देते हैं, क्या कमेंट करते हैं तो वो तो हमें नहीं पता क्योंकि हम कमेंट उतना पढ़ते नहीं है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको कुछ भी जानकारी मिले तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।